जिस पुलिस पर विश्वास जताते हुए हम ये बात कहते हैं कि हमें किसी भी केस में न्याय मिल सकता है, आज हाथरस का केस देख के ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस जो है, ये कानून व्यवस्था जो है, इस कानून व्यवस्था ने ही हमें हिजड़ा बना रखा है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथरस रेप केस के बारे में, जहां एक 19 साल के लड़की के साथ रेप किया गया, उसके जीभ काटे गए, उसकी स्पाइनल और नेक के जो बोन है वो तोड़े गए। 7-8 दिनों के स्ट्रगल के बाद वो लड़की एक्सपायर कर गई दिल्ली के हॉस्पिटल में। केसेस जो हैं वो कम नहीं आ रहे कोई, और ये जो केस है वो फिर एक निर्भया का जो केस था उसको वापस से दोहराने की कोशिश करी गई है। 4 आरोपी जो हैं इसमें हिरासत में लिए गए हैं, उन पर एलिगेशंस वगैरह जो भी है वो लगे हुए थे, और अभी भी शायद कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो हमारा पुलिस है वो खुद जो कितना निष्पक्षता से काम करना चाहिए, जितना निष्पक्षता से काम करनी चाहिए, वो खुद पुलिस नहीं कर रहा है। और जिस पुलिस को लेकर हमारे मन में जो रिस्पेक्ट है, आज कहीं ना कहीं मेरे मन से वो ख़त्म हो रहा है। मैंने 20 दिनों से वीडियो नहीं बनाई है और आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत गलत हो रहा है। और आज इसके ऊपर अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। मैं हर बार कहता हूँ कि जो केस भी आगे फ्यूचर में रेप हो रहे हैं, जो भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारे और आपकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमें आवाज़ उठाना नहीं आता, हम आवाज़ उस पर नहीं उठाते। और यही चीज़ है कि किसी भी रेपिस्ट को हौसला मिलता है रेप करने का। आज अगर हमारे देश में कोई ये बात कहता है कि उसे हिंदुस्तान में डर लग रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हम उसे मारने पीटने के लिए आमादा हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे देश की बुराई करता है, लेकिन असल में वो बुराई नहीं करता, वो सच्चाई बताने की कोशिश करता है। मुझे पता है कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें गलत लगती होंगी कि कोई आपके देश की बुराई कर रहा है ये कहते हुए कि उसे हिंदुस्तान में डर लग रहा है, लेकिन अगर डीप थॉट जाने की कोशिश करिए और सच्चाई को महसूस करने की कोशिश करिए, तो आजकल ये जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है और उस पर जो भी कार्रवाई हो रही है, इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आप भी ये पाएंगे कि हमें भी डर के रहने की ज़रूरत है। वो कानून व्यवस्था जिससे हमें ये उम्मीद होती है कि वो हमारे साथ हो रहे गलत चीज़ों पर भी हमें न्याय दिलाएगी, वो कानून व्यवस्था खुद हमारे साथ अन्याय कर रहा हो, तो कैसा महसूस होगा आपको? एक 19 साल की लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके जीभ काटे गए, उसके स्पाइनल कॉर्ड तोड़े गए, उसके गले की हड्डी तोड़ी गई, उस लड़की को 7 दिन जब वो हॉस्पिटलाइज्ड रही और 7 दिन उसने दर्द झेले, जिस हद तक उसने दर्द झेले हैं, वो लड़की 7-8 दिन बाद फाइनली जब एक्सपायर होती है, तो उस लड़की के फैमिली वालों को उस लड़की के अंतिम संस्कार करने तक की जो है इजाज़त नहीं मिलती। पुलिस द्वारा जबरन जाके उसे आधी रात में जलाया जाता है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? और अगर इसके बावजूद भी हम अपने पुलिस व्यवस्था की इज्जत करें, अगर आप लोग को और सरकारों को यही लगती है कि हम कैसे भी करके अपने कानून व्यवस्था की इज्जत करेंगे, तो माफ़ करना, लेकिन एक हद होती है, जब उस हद को कोई भी पार करेगा तो इज्जत नहीं बचती इंसान के अंदर, उस चीज़ को लेकर रिस्पेक्ट नहीं बचता। और मुझे लगता है कि आजकल जो भी हो रहा है ये हमारे देश में, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में हमारे लोगों के बीच पुलिस को लेकर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट बचा रहेगा। किस कानून व्यवस्था पे विश्वास करें हम? उस कानून व्यवस्था पे जिसमें 7.5 साल लग जाते हैं एक लड़की को न्याय दिलाने में, एक माँ को 7.5 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट के ताकि उसकी बेटी को न्याय मिल सके और रेपिस्ट को उनकी सज़ा, एक लड़की जिसके दोस्त के सामने उसका रेप किया जाता है, 7-8 लोगों द्वारा उसका रेप किया जाता है, नालंदा रेप केस, और उसका वीडियो बना के नेट पे वायरल किया जाता है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होती है किसी को कोई खबर नहीं। उन्नाव रेप केस जहाँ पे पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, लेकिन उस लड़की के रेपिस्ट के साथ और उसके फैमिली के हत्यारों के साथ क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ खबर नहीं। आज भी कई सारे रेपिस्ट के जो हैं बड़े बड़े MLA हैं, MP हैं, आज हमारे देश को वही चला रहे हैं। हमारे देश को रेपिस्ट जब चला रहे हैं तो हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमारे देश में पुलिस तो बिकती आ रही है शुरू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ जाइएगा एक गाड़ी का चालान तक 50 रुपये से बच जाते हैं आप, बड़े बड़े केसेस तो लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं वो। हम ये कोई बात नहीं है जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है और सब कोई जानता है इस बात को। आज हमारे देश में जो भी गलत हो रहा है वो उसका रीज़न मैं सिर्फ एक चीज़ को मानता हूँ, और वो है हम और आप, जो कि ऐसे मामलों पर चुप रहते हैं और पुलिस पर भी दबाव नहीं बनाते, मोमबत्तियाँ लेकर निकलते हैं, 2-3 दिन तक चलते हैं और ख़त्म हो जाता है कहानी। एक 19 साल की लड़की जो कि अपने खेत की तरफ जा रही थी, 4 लोग मिलके उसका रेप करते हैं, उसके जीभ काटते हैं, उसके गर्दन तोड़ते हैं, उसके स्पाइनल तोड़ते हैं, 7-8 दिन तक वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, और फाइनली जब वो एक्सपायर होती है तो पुलिस द्वारा उसके माँ बाप को उसके लाश सौंपने की बजाय आधी रात में उसका फ्यूनरल कराया जाता है, उसको जलाया जाता है। सिर्फ यही नहीं है,
हमारे देश में तो जब कुछ सब कुछ हो जाता है, जब एक लड़की की एक्सपायरी तक हो जाती है, तब जाके ये खबर सामने आती है, न्यूज़ चैनल में खबर होती है, और फिर कुछ पुलिस वाले आके इस खबर को झूठा बता देते हैं। एक पुलिस वाले जनाब ने आके ये बात तक कह दी कि कोई साइन ही नहीं पाएगा उसके बॉडी पे रेप के, उसके जीभ कटने की भी बात गलत है। हम जिस कानून व्यवस्था पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं, जिस पे हमें इसे विश्वास होता है कि गलत को गलत बताया जाएगा और सही को सही बताया जाएगा, न्याय मिलने की उम्मीद रहती है जिस कानून व्यवस्था से, अगर वो इतने दोगलापनी करे, माफ़ करना मैं मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं 20 दिनों से वीडियो नहीं बनाया और आज जाके जब वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है तो कुछ ऐसा केस मिला है जिसमें आदमी अगर गाली ना दे तो मन ही नहीं भरेगा। सब बात हटाइए, लेकिन आज जो है मेन पॉइंट यही है कि इन सब केसेस के जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमें आवाज़ उठाना नहीं आता। एक दो दिन तक मोमबत्तियाँ रहेंगी हाथों में, फेसबुक और इंस्टा पे ज्ञान छोड़ेंगे, लेकिन लास्टली जाके हम सब आराम से चैन की नींद सो जाएंगे घर में, और जिसके साथ जो गलत हुआ वो झेलता रहेगा इस चीज़ को। लेकिन आज आपके पास मौका है, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। मैं बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया करके इन मुद्दों पे चुप ना रहें, और इस मुद्दे पे जितना से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, और जितना ज़्यादा हो सके इससे रिलेटेड पोस्ट करें, ताकि ये खबर दबे नहीं और इस पर कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर पुलिस भी इसमें कुछ गड़बड़ी कर रही है तो उनको भी उतना ही सज़ा मिले, क्योंकि हाथरस की पुलिस जो आज कर रही है, मुझे किसी भी एंगल से वो चीज़ सही नहीं लग रही, और उम्मीद है कि आप लोग को भी ये चीज़ सही नहीं लग रही होगी। और आंख मूंद के किसी भी सरकार पे विश्वास करना बंद करिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, जो करना वो करना, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आज आप इस लड़की के लिए चुप रह रहे हो तो कल आपकी बहन बेटियों के साथ होगा, आप फिर भी चुप रहना। इसके लिए इसके बाद ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहता। अगर वीडियो ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लोगों से ये अपील करना कि वो कम से कम अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितना भी जगह हो सके इससे रिलेटेड पोस्ट लिखते रहें, और इस मामले को ताज़ा रखें जब तक इस मामले पे एक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाती। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर वीडियो बनाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसे इतना ही ज़रूरी समझ के अपना काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।